नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लास रूम पे बहुत बहुत स्वागत। हम बातें करने वाले एफएसटी 1 to 10 आपका कर चुके हैं। आइए आगे स्टार्ट करते हैं एफएसटी 11 पेपर 1। तो उम्मीद है कि एफएसटी 11 पेपर 1 आपको आसान ही लगा होगा, क्योंकि आसान ही था। तो ज्यादातर सवाल तो आपसे बड़ी आसानी से हो गए होंगे, और जिस सवाल में थोड़ा बहुत तो कुछ भी डाउट है आप, तो आप सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिएगा और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जाके दोबारा नोट्स पढ़िएगा और उससे रिलेटेड कुछ और सवाल उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपकी कमांड उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बहुत ही बेहतरीन हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं एफएसटी 11 पेपर नंबर 1, है ना। इसमें सब टोटल कितने सवाल है, 18 सवाल है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 में आपको एक सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि भाई साहब, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे और इसके परपेंडिकुलर में है एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो ऐसा है, मतलब आप ये समझिए कि सर्कुलर मोशन कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि इधर की तरफ कौन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपको बी आपको दिया हुआ है। और अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो आपको बी की वैल्यू दी हुई है, एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और आपको क्या दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, और आपसे पूछा गया कि इसकी स्पीड निकालिए, यानी ये कितनी रफ्तार से चल रहा है। तो अगर आप ध्यान, बहुत ही आसान सवाल है, आप जानते हैं कि एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास एमवीआर आ जाएगी। एल आपको दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, अच्छा आपको निकालना क्या है, वी निकालना है, और आर आपको पता है ना, आर की वैल्यू कितनी होती है, एमवी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पे क्यू कौन होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो इसको उठा के कहाँ डालिएगा, यहाँ डाल दीजिएगा। तो एल की वैल्यू आपको दी हुई है, ये हो जाएगा एम वी इंटू एम वी अपॉन क्यू बी है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्यू बी। एल इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्यू बी। अब एल की वैल्यू आप डाल दीजिए, एम की वैल्यू डाल दीजिए, बी की वैल्यू ही तो आपको निकालना है यार। ये सवाल में आपको दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, बी की वैल्यू आपको दी हुई है, ये सारी वैल्यू, जैसे एल की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप डाल दीजिएगा, और एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू बी, दैट इज इक्वल टू 8.1 × 10⁻³। अगर आप ध्यान से देखें तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डालिए और ये डालिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9 × 10⁻³। सवाल में दिया हुआ है, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 81 × 10⁻³, आपके पास 38 का डबल कर दीजिए, यानी कि 62 हो जाएगा, 10⁻⁶। उम्मीद है, अरे ये तो बहुत ही आसान है, हर कोई कर लेगा। मास का स्क्वायर कर दीजिए, चार्ज रख दीजिए, बी रख दीजिए, सब एसआई यूनिट में ही डालना है। जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको सॉल्व करने पे बी की वैल्यू क्या आती हुई दिखाई दे रही है, 4 m/s आपको आती हुई दिखाई दे जाएगी। ये इंटीजर टाइप का सवाल था जिसका आंसर 4 आता। उम्मीद है कि ये सभी लोगों का सही हुआ होगा, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था। एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, जिसको एमवीआर आप एमवीआर लिख सकते हैं, और आर तो एमवी अपॉन क्यू बी है, क्योंकि 90 डिग्री वाला केस है। तो बड़ा एक आसान सवाल था, हर प्राणी से लगभग पढ़ने वाले बालक से होना चाहिए था। अगर आपका ये गलत हुआ है तो आप जो है एक बार पुनः अपने नोट्स में जाइए और बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। क्या है सवाल नंबर 2, जरा ध्यान से देखिए। स्क्रू गोज का सवाल है, यानी कि ये प्रैक्टिकल फिजिक्स का सवाल है, और ऐसा बोल रहा है कि 5 कंप्लीट रोटेशन अगर आप सर्कुलर स्केल का कर रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल स्केल है उस पे रीडिंग कितनी आ रही, 1.5 mm। तो अगर आप ध्यान से देखें ना भाई, तो एक रिवोल्यूशन में वो कितना आगे बढ़ता है, पिच के बराबर बढ़ता है। तो हम यहां से पिच नहीं निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस वाले स्क्रू गोज का पिच मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपको यहाँ पिच मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 0.3 mm जो है ये आपका पिच हो गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है आपके पास, लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, जो है नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे कितने दिए हुए हैं आपको, 50 डिवीजन दिए हुए हैं। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.3 / 50, तो ये वैल्यू आ रही है 0.006 आ जाएगी, यानी इतना एमएम आपका क्या हो जाएगा, ये इतना एमएम आपके पास हो जाएगा क्या, लीस्ट काउंट किसका, जो आपके पास स्क्रू गोज दिया हुआ। तो लल्लू सवाल था, बहुत ही आसान था, इसको 0.1 × x mm की फॉर्म में लिखना है, 0.1 × x mm की फॉर्म में, और x आपको निकालना है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई,
0.06 आ गया, 0.1 इंटू एक्स की फॉर्मेट में लिखना है, एक्स की वैल्यू आ गई यार, ये आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 3, जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 3, एक सिलेंड्रिकल फिलामेंट दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, और आपको ऑपरेशन टेम्परेचर दिया हुआ है, और उसको ब्लैक बॉडी आपको कंसिडर करना है और उसका रेडियस निकालना है। आसान भाषा में हम जानते हैं ना भैया कि डी बाई डी टी जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई सिग्मा ए टी की पावर 4, ई की वैल्यू 1 हो गई है, सिग्मा की वैल्यू सवाल में दी हुई है, ये पावर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ए को आप क्या लिखिएगा, अगर आपके पास वायर है तो वायर ऐसा होगा ना, वायर का एरिया कौन सा वाला काम आएगा, वो लेटरल सरफेस वाला एरिया काम आने वाला है, तो आप इसकी एरिया को क्या लिख देंगे, 2πRL। तो आप ध्यान से देखिएगा, P सवाल में दिया हुआ है, E की वैल्यू 1, सिग्मा सवाल में दिया हुआ है 2πR इंटू एल एरिया हो जाएगा, T सवाल में दिया हुआ है T की पावर 4, गिवन गिवन ये पता ही है, लेंथ आपको दिया होगा, T आपको दिया होगा, लेंथ दिया है क्या सवाल में, टेम्परेचर दिस 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 दिस, लेंथ ऑफ द फिलामेंट इज दिस, आपको पूछा गया है कि रेडियस निकालिए, जब आप सारी वैल्यू को डाल के सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आपको आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 10^-3 मीटर, जो कि होता है 1 mm। इसमें कोई बहुत बड़ी पर बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल, हर प्राणी इसको सॉल्व कर सकता है, इसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करी हो। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 क्या है, जरा ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 4 भी बहुत ही सस्ता किस्म का सवाल है, जरा ध्यान से देखें इस फोटो को, अगर आप फोटो को देखते हैं और आपने इमोशनल ईएमएफ थोड़ा सा पढ़ा है, तो ये जो रॉड है ना, यहाँ पे जो रॉड है सवाल नंबर 4 में, सवाल नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ जो ये रॉड है, इसकी मान लेते हैं कि भाई साहब मतलब इस पे क्या लग रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तभी ना ये कांस्टेंट रफ्तार से जा रही है ना, उम्मीद है कि आपके पास सवाल होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। आप चाहें तो मैं आपके लिए सवाल बना लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे ये दिया गया है 40 ओम, और ये बैटरिया जो है वो 20 वोल्ट की है, और यहाँ पे ये रॉड्स हैं, इसके ऊपर एक रॉड ऐसी है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, बाहर की तरफ है, और इसको कनेक्ट किया गया पुली से, जो कि कनेक्टेड है 0.2 kg के ब्लॉक से, जरा ध्यान से देखिए, और इसकी लंबाई जो है वो आपको दी हुई है 0.25, और यहाँ पे जो B है इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2T, B की वैल्यू क्या दी हुई है 2T दी हुई है, और आपसे पूछा गया है कि भैया मतलब जो है इसकी रफ्तार क्या होगी, कांस्टेंट रफ्तार क्या होगी। भाई देखिए सिंपल सा सवाल है, जाहिर सी बात है कि अगर ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, तो ये V इसकी कुछ भी रफ्तार इधर की तरफ होगी, मैंने कहा V मान लेते हैं, सवाल के मुद्दे की बात करते हैं, बाकी वैल्यू डाल के आप कर सकते हैं, ये पोटेंशियल वाला मान लेते हैं, ये V डैश मान लो, रफ्तार हमें ये निकालनी है ना, तो होगा क्या कि इसकी वजह से इमोशनल ईएमएफ पैदा होगा, कौन सी डायरेक्शन में पैदा होगा, बिल्कुल आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, हमें पता है हाई पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में होता है, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में होता है, बी उधर की तरफ और क्रॉस बी करिएगा तो इधर की तरफ आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखिए ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, यानी कि ये एक बैटरिया की तरफ बिहेव करेगा, उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये वी आपको अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको 100 वोल्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 100 वोल्ट की बैटरी और ये ई जो है ये दोनों आपस में सपोर्ट कर रही है, तो करंट ऐसे बहने वाला है, क्या बहने वाला है, ऐसे करंट ऐसे बहने वाला है। अब आप ध्यान से देखें कि करंट अगर इधर बह रहा है और बी ऊपर की तरफ है, तो आई डीएल क्रॉस बी से फोर्स लगता है, तो डीएल आपका कैसा हो गया है, करंट के अक्रॉस और बी जैसे जैसे ऐसा है ना, डीएल क्रॉस बी इधर की तरफ करंट आ गया है, अमर फोर्स आ गया है, तो F इज इक्वल टू आई एल बी मस्ट बी इक्वल टू एम जी है, तो यहां से अगर मुझे I चाहिए होगा तो M हो जाएगा 0.2 × 10/LB, L की वैल्यू है 0.25 और B की वैल्यू आपको सवाल में कितनी दी हुई है, B की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, इसको अगर आप रखिएगा तो ये वैल्यू आपके लिए आ रही है 4 एम्पियर, तो यहां से करंट आ गया। अब आप ध्यान से देखिए तो करंट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये आपका 100 वोल्ट की बैटरी है प्लस E आपको सपोर्ट कर रहा है डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल इसका 40 है, उसका कुछ नहीं है ना, मतलब जो है अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 40 टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो I की वैल्यू को इक्वल टू 4 कर दीजिए, यहां से आपको 160 - 100 E की वैल्यू क्या आ गई है 60 वोल्ट आ गई, और E को अपन क्या लिखेंगे V डैश B इंटू L इज इक्वल टू 60 आ गया है, V डैश अपने को निकालना है, B की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू कितनी डाला 1/4 है, दैट इज इक्वल टू 60 है, तो ये 30 आ गया, और 30 इंटू यानी कि V डैश की वैल्यू यहां से हमारे पास आ रही है 120 मीटर पर सेकेंड, क्या आ रही है 120 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखिएगा
तो बस 120 आंसर हो जाएगा। बहुत ही लल्लू सवाल था, कोई बहुत ज्यादा तगड़ा सवाल वाला इसको बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 के बाद 5। 5 मतलब जिस प्राणी से नहीं हो आथू, एक ही एकदम बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा आसान सवाल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इसको, मतलब देखने के बाद 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा आपको। इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 40 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है और 90 के बाद में ना आगे संट किया हुआ है ना, तो करंट तो उसी में से जाएगा, रेजिस्टेंस में से क्यों जाएगा यार। 45 डिवाइडेड बाई यहां पे जो बैटरिया है और बाकी जो है यहां पे जो 90 ओम का रेजिस्टर है ना, यहां पे जाने के बाद ये अब मीटर लगा हुआ है, इधर खूब सारे रेजिस्टर में जाएगा ही नहीं, यहां से जो संट कर रखा है उसी में जाएगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, 90 आ गया है। ओहो देखिए तो जरा, 40 वोल्ट की बैटरी लगा रखी कितना करंट आ जाएगा, कोई भी बता देगा भाई कि 0.5 एम्पियर का आपके पास यहाँ पे करंट आ जाएगा, है ना लाला। तो यही ना, इतना ही सवाल में पूछा है आपसे, सवाल में पूछा है कि करंट आएगा अल्फा इंटू ए है, अल्फा एम्पियर है तो अल्फा आपको बताना है, तो अल्फा की वैल्यू 0.5 आ गई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये सवाल खत्म हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 देखिए क्या है, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, बहुत बहुत आसान है, इस तरह के खूब सवाल आपने किए होंगे। इस तरह का कार्यक्रम है, यहाँ पे रॉड्स को कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का टेम्परेचर आपको 0 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ का टेम्परेचर आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ का टेम्परेचर आपको 100 दिया हुआ है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, माना कि यहाँ का टेम्परेचर टी ए है, ये पॉइंट बी है तो इसका टेम्परेचर टी बी है और ये पॉइंट सी है तो इसका टेम्परेचर टी सी है। और ये जो रॉड्स हैं सारी आइडेंटिकल है और सेम मटेरियल के लिए बनी हुई, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सबका थर्मल रेजिस्टेंस जो भी होगा वो सेम रहेगा। तो मैंने इन सबका जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको आर से मार्क कर लिया है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, तो हीट की जो फ्लो की रेट होगी वो आपके टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आ जाएगा, है कि नहीं यार, थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अपन ऐसे सवालों को कैसे करते, मान लेते थे कि ये यहाँ तो सबसे छोटा है, यानी यहां से भी हीट आ रही, यहां से भी यहाँ, यहाँ भी आ रही, तीनों का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो आपका जंक्शन लॉ लगा लेते हैं ना, अबे तो 3 बार लगाओगे 3 इक्वेशन आएगी, क्या आप लगा पाइएगा, 3 इक्वेशन बनाएंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व करके टी ए टी बी टी सी आ जाएगा। तुमको ये सवाल में टी बी पूछा, जैसे इसके लिए लगाएंगे, मान लीजिए कि टी ए बहुत छोटा है तो क्या होगा, 100 - TA/R + TB - TA/R, इधर से भी आई प्लस इधर से भी भेज देते हैं तो TC - TA/R = 0 कर दीजिए, तो R R R तो सारे सेटल हो गए हैं, है ना। तो यहां से इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, 100 - 2TA + TB - TC = 0, तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2TA - TB - TC = 100। ये एक रिश्ता आ गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसके लिए भी रिश्ता निकाल देंगे, इसके लिए भी निकाल देंगे, है ना, इसको बड़ा मान लीजिए या इसको सबसे छोटा मान लीजिए, तो क्या होगा, TA - TB / R, 50 - TB / R और TC - 50 / R, इन तीनों का सम करके इक्वल टू 0 कर लीजिए। सिमिलरली इसको सबसे छोटा मान लीजिए, TA - TC / R, 0 - TC / R, TB - TC / R = 0। TB और TC में कितने इक्वेशन आ गए, 3 इक्वेशन आ गए। अब आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो TB नहीं मिल जाएगा। जब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक इक्वेशन ये आ रहा है आपका यहाँ पे, हाँ टी ए कहीं पे कुछ किया गया, TA - TB, TA TA TA, 3TA था भाई, यहाँ पे 3TA, यहाँ पे 3TA, 3TA - TB - TC = 100। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा पाएंगे तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी, 3B - TA - TC = 50 आ जाएगा और 3TC - TA - TB = 0। अब आप तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व करिएगा तो टीबी की वैल्यू आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको मुद्दा समझ में आना चाहिए, है ना। अलजेब किरचॉफ साहब का जंक्शन लॉ लगा रहे हैं, कुछ बहुत तगड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, आप सब जानते हैं इन सब बातों को, बहुत ही आसान सा सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। 7 भी आसान सवाल है, आप ढंग से इस सवाल को समझिए, कुछ है नहीं ज्यादा सवाल में, एनर्जी दी हुई है और सबसे कम और ज्यादा के बारे में बातें करने का बोल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें सातवें सवाल में अगर आप ध्यान से देखिए क्या है सातवां सवाल, सातवें सवाल में आपको दी हुई है कि एनर्जी जो है nth स्टेट में इस ये है -13.6 Z² / n² क्या है, इतना
अच्छा वो nth एक्साइटेड स्टेट में है ना। ई मैक्स भी आपको दिया गया है, जब ट्रांजिशन होती है फोटोन रिलीज हो रहा है उसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी और मिनिमम एनर्जी दोनों को दी हुई है। यानी सवाल आपको ई मैक्स जो दे रहा है वो दे रहा 52.222 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ई मिनिमम जो फोटोन की हो सकती है वो दी हुई है 1.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप n इज इक्वल टू 1, 2 ऐसे करते करते n में है और यहां से फोटोन रिलीज हो रहा है तो सबसे ज्यादा एनर्जी तब रिलीज होगी जब फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी तब आएगी जब भाई साहब यहां से भाग के 1 पे आए, और सबसे मिनिमम कब आएगी, मैंने कहा भाई साहब भाग के क्या आए, ई मिनिमम इस वाले केस में होगी जब वो एन से लेके एन माइनस वन तक आएगा, और यहां जब वो एन से लेके एन माइनस एन इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट में आएगा तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी। अरे भाई इसमें और इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, तभी तो फोटोन जो रिलीज होगा वो एनर्जी का डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा, है कि नहीं यार लल्लू तुम्हारे, इसमें कुछ भी तकड़ी चीज नहीं है। तो एक बार आप डिफरेंस ऑफ एनर्जी एन और एन माइनस वन के लिए निकले वो आपका होगा ई मिनिमम, और एक बार क्या होगा मैक्सिमम, दोनों में आप सोल्व करेंगे तो अननोन कौन हुआ एन और आपके पास क्या होगा। अच्छा और अगर मान लो इसकी इसकी एनर्जी को ग्राउंड स्टेट को कुछ मान लीजिए, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, एन को 1 डाल दो, एन को 1 डाल दो तो ई एन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू 1 की माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, है ना, है कि नहीं यार। इसको मैं बोल रहा हूं एनर्जी ऑफ 1 है, एनर्जी ऑफ 1 है, तो एन वाले की क्या हो जाएगी ये एनर्जी होगी, और एन माइनस 1 वाले के लिए क्या होगी ई 1 डिवाइडेड बाई, अरे भाई ये तो पूरा कर दिया ई 1 हो गया है ना, तो बेसिकली वो ई 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ही हो जाएगी, है कि नहीं यार। तो ये जो मैक्सिमम है, ये जो मैक्सिमम एनर्जी आपके पास दी हुई है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसमें ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ होगा एन से लेके वन वाले में, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो हो जाएगी माइनस ऑफ 13 पॉइंट, मतलब जो है आपका माइनस ऑफ 13 पॉइंट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो ये कार्यक्रम तो ई 1 लिख दूं डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस ऑफ ई 1, यानी कि पहले वाले की आपके पास ई 1 है इसको क्या लिख रही है, दोनों माइनस माइनस है तो मोड के हिसाब से इसको अपने को क्या लिख देना चाहिए 15.2। अरे भाई ये बड़ा है, ये आपके पास इवन लाइक बाई एन स्क्वायर जो है वो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाने पे एनर्जी बढ़ती है ना, मैग्नीट्यूड घटता है। अरे यार अगर आप ध्यान से देखें ये तो ये सब समझ में आता है आपको कि क्या किया जा रहा है, इवन बाई एन स्क्वायर माइनस इवन को अपन लिख देंगे 52.222 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप एन से कहां जा रहे हैं, एन माइनस वन है तो वो हो जाएगा ई वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस ऑफ ई वन अपॉन एन माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसमें अननोन कौन है, इसमें अननोन है ई वन एंड ई टू, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें जो ई वन प्राप्त हो रहा है वो वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पे माइनस ऑफ 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एन की वैल्यू आ रही 5, है ना। अरे ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान से देखिएगा कि भाई E1 की वैल्यू आ गई, E1 तो ये था, अरे E1 की वैल्यू ये आ गई ना, इसको E1 लिख दीजिए इक्वल टू ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 13.6 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर, तो इसको डिवाइड कर दीजिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना वैल्यू आ गया है 4 आ गया जेड स्क्वायर, एन की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां से आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी, और जेड की वैल्यू आपके ये 4 से जा रहा है, जेड की वैल्यू 2 आ गई भाई, यहां से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी 2 और n की वैल्यू आपको 5 ऑलरेडी मिल गई है। तो अब आप इसमें जो है सारे ऑप्शन कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर आपके पास हो गया है यानी कि z इज 2 और n इज 5 है, तो ये आंसर 1 और 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं थी, एक आसान किस्म का ही सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल नंबर था अपने पास 7, आगे बढ़ते हैं 8 वाले सवाल पे, कौन से वाले पे 8 वाले, एसी का एक बहुत ही रद्दी किस्म का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप ध्यान थोड़ा बहुत भी एसी का नॉलेज रखते हैं तो इस सवाल को रेजोनेंस के बारे में जानकारी रखते हैं तो बड़ी आसानी से जो है इस सवाल को कर पाते। क्या है सवाल, आठवां सवाल आपको बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ सप्लाई आपको दी गई है, क्या दी गई है, एसी की कुछ सप्लाई दी गई है और यहाँ पे एक बॉक्स लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, एक बॉक्स लगाया हुआ, उसमें कुछ अननोन आइटम है उसके बारे में हमें बातें करनी है, जो सप्लाई दी गई है वो आपको दी गई है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी वाली सप्लाई दी गई है पहली बार, दूसरी बार जो है इसी बॉक्स में, इसी बॉक्स के पैरेलल में क्या लगा दिया गया है, एक कैपेसिटर लगा दिया गया है और यही सप्लाई आपको दी गई। आप सवाल को पढ़िएगा ना तो सवाल इतना लल्लू सवाल है, आपको बोल रहा है कि बॉक्स इज कनेक्टेड टू दिस दिस पावर फैक्टर 1/√2, मैंने कहा ठीक है पावर फैक्टर 1/2 होने का मतलब जो कोस डेल्टा
कोस जो है आपके पास जो कोस डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस यानी कि आर बाई जेड है इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके लिए ये 1/√2 आ रही है यानी कि जो फेज डिफरेंस है यानी डेल्टा फाई है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री किन किन के बीच में है ये वोल्टेज एंड मतलब आपके पास आई एंड वी के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री उनका बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत शानदार हो अब बोल रहा है कि जैसे ही कैपेसिटर लगा दिया है पावर फैक्टर यूनिटी बन गया है यानी कि जैसे ही इसमें कैपेसिटर लगा दिया है तो ये पावर फैक्टर यूनिटी बन गया इसमें कुछ रहा होगा है अब आप सोच के देखिए यूनिटी कब बनेगा जब ये रेजिस्टेंस मतलब जो रेजोनेंस वाली कंडीशन बन जाएगी यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा और कैपेसिटर ने क्या ऐड किया एक्स ही ऐड किया ना मतलब है कि नहीं है तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी ओवरऑल इंडक्टिव रिजल्ट कुछ रहा होगा कैपेसिटर ने उसको काट दिया होगा बचा क्या होगा रेजिस्टेंस बचा होगा आसान भाषा में अगर अपन बात करें इधर आपके पास जो है वो आई इंटू आर रहा होगा इधर वाला दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए होंगे ये आपके पास जो है मतलब ये वाला और ये वाला कैंसल आउट हो गया होगा एक बात बताइए यहां पे जब एंगल आपके पास क्या था एंगल आपके पास 45 तब पहले वाले के केस में तो एक बात समझ में आ गई भैया इसमें क्या रहा होगा इंडक्टर रहा होगा है ना इंडक्टर रहा होगा लेकिन अगर प्योरली इंडक्टर रह गया मान लो कि प्योरली इंडक्टर रह गया तब तो फेज डिफरेंस जो है वो 40 मतलब 90 डिग्री आना चाहिए था है कि नहीं यार लेकिन यहां तो 45 डिग्री रहा है तो क्या रहा होगा मतलब साथ में रेजिस्टेंस भी रहा होगा है कि नहीं यार और आपको बताइए कि भाई इस वाले केस में फिर एक्सएल और जो है आपका आर है एक्सएल आर के बराबर रहा होगा तभी ना 45 आया होगा अब आर ये हो गया है इधर की तरफ एक्सएल रहा होगा उसकी वैल्यू भी तो आर ही रही होगी तभी ना इसका रिजल्टेंट जो है बीच में आ गया होगा 45 डिग्री पे अब आप बताइए कि इसको काटने के लिए जब एक्सएल की वैल्यू आर रही होगी उसको काटने के लिए जब एक्स ही आया होगा है कि नहीं यार तो उसकी वैल्यू भी तो आ ही रही होगी तभी ना उसने इसकी बैंड बजा दी खत्म हो गया और क्या बचा सिर्फ और सिर्फ आर ही बचा होगा लल्लू सवाल अभी इसमें कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है तो एक बात तो साफ साफ दिखाई अब अपन सवाल पे आ जाते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा है बॉक्स में कंटेन रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टर इनका यस बिल्कुल सही था बॉक्स में पहला सही है बॉक्स में कंटेन रेजिस्टेंस इन सीरीज विद कैपेसिटर इनका नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैपेसिटर हुआ तो फिर से वाले मतलब फिर कैपेसिटर लगाओगे तो फिर प्योरली रेजिस्टिव बनना पॉसिबल नहीं है इंपीडेंस ऑफ बॉक्स विद द सेम इंपीडेंस ऑफ बॉक्स विद सेम सोर्स इज यानी बॉक्स और आपका क्या लगा हुआ है ये लगा हुआ इसकी इंपीडेंस क्या होगी यानी पहले वाला सीन है कौन सा वाला ये वाला जब आर और सिर्फ क्या हो एक्सएल हो एक्सएल की वैल्यू क्या है आर के बराबर है इनका रिजल्टेंट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2 times of R मैं इसको √2 times of R लिखूं √2 times of XL लिखूं √2 times of XC लिखूं इसमें कोई लाज शर्म वाली बात नहीं है अगर आप ध्यान से देखें तो XC लिखेंगे तो XL लिखेंगे तो XL की वैल्यू ओमेगा अलग होती है और XC की 1/ωC है तो आप ऑप्शन में देख लीजिए जो भी आपका ठीक बैठ रहा है हाँ 1/ωC वाला कार्यक्रम जो है यहाँ पे एक दिया हुआ है इसी कार्यक्रम को 1/ωC भी लिखा जा सकता है ओमेगा एल भी लिखा जा सकता है ओमेगा एल वाला ऑप्शन ही नहीं है तो थर्ड वाला भाई सब सही हो जाएगा थर्ड वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा फोर्थ वाला गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें √2 नहीं है तो क्या भाई साहब 1 and 3 आपके पास सही आंसर आ जाएगा आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नौ पे क्या है सवाल नंबर नौ जरा ध्यान से देखिए सवाल नंबर 9 में आपको एक कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है अलग अलग इनिशियल चार्ज सब में सेम है इनिशियल चार्ज क्या है सब में सेम है और रेजिस्टेंस भी भाई साहब जो है सेम लगा रहे हैं कैपेसिटर है तो डिफरेंट रेजिस्टर्स रेजिस्टर अलग अलग है कैपेसिटर भाई साहब सेम सेम है ना अगर आप ध्यान से देखें फिर इसके साथ किस तरह से डिचार्जिंग हो रही है उसका वेरिएशन आपको दिया हुआ है यानी अलग अलग आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ये 1 है 2 एंड 3 है तो अगर आपको याद हो तो आपने ये तो पढ़ाई होगा कि q is equal to q naught into e की power t by tau आता है ना इस तरह से होती है डिचार्जिंग tau की वैल्यू क्या होगी आपके लिए आर सी इसको 1/tau को अपन लेमडा भी लिख सकते हैं तो q is equal to q naught into e की power lambda t हो जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन की तरह आ रहा है लेमडा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/tau है 1/tau होने का मतलब 1/RC है अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार अगर आपको याद हो रेट ऑफ डिचार्जिंग
डिचार्जिंग, कौन कितना फास्ट डिचार्ज हो रहा है, तो अपने पढ़ा था कि वो 1/टाउ के हिसाब से होगा। अरे भाई 37% 53% टाउ जितना ज्यादा उतनी कम। अरे भाई टाउ टाउ मान लो 2 सेकंड हो एक का और एक का 1 सेकंड हो, है ना, तो कौन से वाला था ज्यादा तेजी से डिचार्ज होगा, जिसका टाउ कम होगा, जिसका टाउ कम होगा वो ज्यादा तेजी से डिचार्ज होगा, जिसका टाउ ज्यादा होगा उसको डिचार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो रेट ऑफ डिचार्जिंग जो है 1/टाउ के हिसाब से, और टाउ आपके क्या पास क्या है 1/RC, तो यहां तेजी से डिचार्ज कौन हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 वाले का जो है R × C है भाई, इसका रेट ऑफ डिचार्जिंग सबसे ज्यादा है तो उसका R × C क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, यानी R × C थर्ड वाले का सबसे कम होना चाहिए। तो आपने पास क्या था R से में कि C से में, ये एक ही कैपेसिटर, तो भैया ये सबसे कम होना चाहिए थर्ड वाले का, क्या कैपेसिटर एक ही है, मतलब R3 सबसे कम होना चाहिए, उससे बड़ा R2 और उसके बाद R1 होना चाहिए, अगर हाँ कि नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए ऑल थ्री हैव इक्वल हीट लॉस। अच्छा एक बात बताइए, यहां से आने में पूरी हीट चली जाएगी, अरे भाई टोटल इनिशियली थी कितनी, वो थी आपके पास Q0² / Q² / 2C जो है कैपेसिटर की एनर्जी इतनी होती है ना 2C, तो इनिशियल चार्ज और सी पे ही डिपेंड कर रही है कि नहीं है, है ना। आर तो सिर्फ आपके रेट पे मतलब इफेक्ट करेगा, टोटल तो जो है वो सारी खत्म होगी, वो तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो पहला ऑप्शन तो आपके पास बिल्कुल सही हो गया है। एवरेज लाइफ पूछा है भाई साहब, 1/λ होती है, ये हो गया, ये सबके लिए सेम होगी क्योंकि सी तो एक ही है, 1/λ होती है, लेमडा आपके पास क्या है लाला, लेमडा आपके पास RC 1/RC करेंगे तो R × C आ गई है। एवरेज लाइफ ऑफ डिचार्जिंग मैक्सिमम फॉर वन, ये उसके लिए ज्यादा होगी एवरेज लाइफ जिसका आर सबसे ज्यादा है, मैंने कहा R1 वाले का ज्यादा है, बहुत बढ़िया, तो फर्स्ट भी सेकंड भी सही हो गया, थर्ड हैज लीस्ट रेजिस्टेंस, हाँ भाई साहब इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस इज मैक्सिमम फॉर थ्री, थर्ड वाले का लीस्ट रेजिस्टेंस है तो रेट ऑफ डिचार्जिंग सबसे ज्यादा है, तो ये भी बात सही हो गया, चार ऑप्शन सही हो गया, इसमें कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है, बाकी आप निकाल भी सकते हैं क्योंकि Q = ये दिया हो तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, आई आ जाएगा I² R से आपका पावर आ जाएगा, है ना, है कि नहीं यार, I² RT हीट लॉस भी आप पता कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर ∞ तक तो टोटल हीट लॉस भी इतना ही आपके पास आने वाला है। तो ये सवाल नंबर था आपके पास 9, आइए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 10 की तरफ, क्या है जरा देखिए सवाल नंबर 10, आसान सा सवाल है, इसमें एक इक्वेशन दी हुई है Y = A sin ओमेगा, ओमेगा जो ओमेगा कितना है 30 पाई टी प्लस KX, K की वैल्यू कितनी है भाई 20 पाई X प्लस पाई बाई 6, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, ओहो भाई वेव पॉजिटिव में जाएगी, पॉजिटिव में कैसे जाएगी भाई, दोनों का साइन सेम है, टी और एक्स का भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, किधर जा रही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है क्योंकि टी और एक्स दोनों के कोफिशिएंट का साइन सेम है, ऐसा होता तो नेगेटिव हो जाती है। अब आपको बोला कि रफ्तार कितनी होती है, मैंने कहा वो तो ओमेगा / K होती है, ओमेगा / K होती है वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 पाई और K की वैल्यू कितनी है 20 पाई है, तो इसको काट लीजिए 1.5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये जा रही है, तो ये तो बात तो सही है लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जा रही, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही, पहला गलत हो गया। वेव लेंथ कितनी है, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो 20 पाई है ये है 2π/λ, क्या है 2π/λ है ना भाई KX, तो यहां से ये जो पाई से पाई कट गया है, यहां से लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 0.1 आ गई, 0.1 मीटर, कितनी है 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा / 2π, है ना, ओमेगा कितना है 30π / 2π, 15 आ गया लाला, हाँ लाला बहुत ही सिंपल है, क्या है बहुत ही सिंपल है, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग YX, में दिमाग खराब है तुम्हारा, वाई में कहां जा रही है, एक्स में ही जा रही, 2 और 3 सही हो जाए, बहुत ही लल्लू सवाल, जिस आदमी का गलत हुआ हो ऐसे करने का और मतलब मुंह पे पानी मारने का और जाग जाने का। चलिए सवाल नंबर 11 पे चलते हैं, सवाल नंबर 11 क्या है जरा ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 11 थोड़ा ठीक ठाक है, जरा ध्यान से देखिए क्या है, हालांकि इस तरह का सवाल आपने पहले भी बहुत बहुत किए होंगे। सवाल नंबर 11 में जो है एक सॉप का बबल है, बबल जो है उसका रेडियस आर है और उस पे जो है चार्ज क्यू दिया गया है, सॉप का बबल है उसका रेडियस आर है उस पे चार्ज क्या दे दिया गया है क्यू दिया गया है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी एनर्जी जो होगी उसकी सेल्फ एनर्जी, अब इसकी एनर्जी में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, एक तो सरफेस एनर्जी होगी है कि नहीं यार, और दूसरी एनर्जी जो है आपके चार्ज क्यू की होगी वो कितनी होती है, मैंने कहा ये तो
हो मतलब आपके पास स्फीयर है, मतलब हॉलो है भी नहीं है। उसकी तो हमें पता है के क्यू स्क्वायर बाई टू आर आती की कितनी आती है, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर दोनों का सम कर दीजिए, मतलब चार्ज वाली और सरफेस वाली को टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अगर आप मैं उसको V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई टू आर है, यानी तो 1 अपॉन के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर है। इतना आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा मतलब जो है ये वाली एनर्जी हो गई है। और क्या करेंगे अपन, मैंने कहा इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें आप ऐड क्या कर देंगे, सरफेस एरिया इंटू एरिया इंटू सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का कोफिशिएंट आपको सवाल में एस दिया हुआ है, और एरिया अगर आप ध्यान से देखेंगे दो सरफेस बनेगी क्योंकि यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हो गया है 8 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो U है दैट इज इक्वल टू, मैं दोनों का सम आ गया। अब आपको क्या करना है, ये U को मैक्सिमाइज करना है, U को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। U इज फंक्शन ऑफ R आती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, U इज फंक्शन ऑफ R आती हुई दिखाई दे रही। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है, अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या कर देंगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप यू ये जो डी यू बाई डी आर ये फंक्शन ऑफ आर है इसको अपॉन डी आर करके इक्वल टू जीरो करेंगे, इसको क्या कर देंगे इसको जीरो कर देंगे। इसको अगर आप जीरो करेंगे फिर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको जो है इसको डिफ्रेंशिएट करना आर के रिस्पेक्ट में, यहां से सॉल्व करेंगे तो आर की क्यूब की वैल्यू जो आती हुई दिखाई दे रही है वो आ रही है क्यू स्क्वायर अपॉन, मतलब आप ये कर लोगे ना यार ये क्या है, दोनों एनर्जी का सम लिखा है फिर डिफरेंशिएट करोगे तो आर आ ही जाएगा, तो आर क्यूब की वैल्यू आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 16 पाई एस। एस यहां पे क्या है, सरफेस टेंशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, आर क्यूब की वैल्यू आज। अब बातें हो रही इसके अंदर के प्रेशर की, इसका अंदर का प्रेशर क्या होगा भाई साहब, बाहर का पी नॉट है, पी नॉट प्लस हमें पता है कि भैया दो सरफेस है तो अंदर की तरफ ज्यादा के कितना होता है, होता है 40 बाई आर या 4s बाई आर है, 4s बाई आर है, ये तो ज्यादा हो गया। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला बाहर धक्का दे रहा होगा, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एंड में पढ़ा होगा है ना, कितना होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पी नॉट प्लस 4s बाई आर, सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा आपके लिए है यहाँ पे, सिग्मा इज बेसिकली q बाई a और a की वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी q स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज बेसिकली 16 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, ये तो अपना हो गया क्या है क्यू स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर लीजिए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो अब करना क्या है जरा ध्यान से देखिए, ये तो पूरा रहने दो, r की पावर जो 4 है ना इसको क्या करना, आप r की पावर 3 यहाँ पे एक r रख लीजिए है ना, और तो ये 1 अपॉन ये जो r 1 अपॉन r क्यूब बना है ना, मतलब r क्यूब की ये वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको ये कटता हुआ कार्यक्रम जो है p इज इक्वल टू p नॉट आता हुआ दिखाई दे जाएगा है ना, बिल्कुल आप कर देंगे क्या, ये जो r क्यूब की वैल्यू कहां से है, एक मिनट ये क्या किया, दोनों की एनर्जी लिख ली, ये कहां से आएगी K Q square upon 2R आपको याद होती है 3 by, ये तो याद 3 by, मतलब सेल्फ एनर्जी ऑफ होलो स्फीयर है ना, ये कैलकुलेट करके बैठे होंगे आप, और ये होता है आपका सरफेस एरिया इंटू सरफेस इतनी होती है, R का फंक्शन आ गया डिफरेंशिएट किया मैक्सिमम निकाला, R क्यूब इक्वल टू ये राइट आगे वैल्यू पुट कर दी, अंदर का प्रेशर P नॉट के बराबर है, बस सवाल करता हूं कौन सा ऑप्शन है मेरे को पहला सही होगा, R क्यूब ही आ रहा है तो R इसका पावर 1/3 आ जाएगा है ना, तो ये आपको जो है मतलब जो है आर अगर आपको निकालना है तो क्या आर क्यू की वैल्यू मैंने सही लिखी क्या, 8 इंटू 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 128 के आ रहा है क्या, हाँ 128 है, तो फर्स्ट सही हो जाएगा भाई साहब, फर्स्ट ऑप्शन सही है, और फिर फर्स्ट सही है सेकंड गलत हो गया, थर्ड सही हो गया है, फोर्थ अपने आप गलत हो जाएगा, 1 इन 3 सही हो जाएगा, ठीक है कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये आपने कहां पढ़ा होगा ये कार्यक्रम, या आपने सरफेस टेंशन वाले में एक्सेस प्रेशर में पढ़ा होगा, या आपने कहां पढ़ा होगा, या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन फिर से बढ़िया वाले सवाल कहां पढ़े होंगे, जब आप फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन वाला पार्ट जो है वो वाला पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे सवाल खूब सारे आते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 के बाद 12 की तरफ, 12 की तरफ थोड़े से आसान है, थोड़े फास्ट बता रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है नहीं,
कि किसी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। 12 वाले पे चलते हैं। 12 वाले में आपको तीन आइटम जो है उनको ऐड किया गया और आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया। कैलोरीमेट्री का सवाल है और इस तरह के बहुत सारे आइटम दिए, तो अपन ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल कोई लाज शर्म की पके है। जो आइटम दिया हुआ है इसमें एक आइटम दिया 30 ग्राम ऑफ आइस। कितने टेम्परेचर पर है ये? तो 30 ग्राम का आइस है, इसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा भाई साहब, तो ये जो है, और अगर आपको याद हो ग्राफ ना ऐसा आने वाला है, डर 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 है कि नहीं है। और दूसरा आइटम इसको मैंने ए बोल दिया। बी आइटम क्या है? 5 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 5 ग्राम का स्टीम है, कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर आपको ध्यान से देखिए तो 5 ग्राम 65 ग्राम का बीच में वाटर भी रखा हुआ, किधर? इधर रखा हुआ। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? यहाँ पे टेम्परेचर 100 है, यहाँ पे टेम्परेचर है 50। तो यहाँ पे 65 ग्राम ऑफ वाटर है ना, है कि नहीं है भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप ध्यान से देखें तो इसको यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? जहां पे चेंज होता है वहां पे क्यू इंटू एम एल लगाना और यहाँ पे एमएस डेल्टा टी लगाना, तो आपका 30 इंटू एस की वैल्यू स्पेसिफिक हीट यहाँ पे की कितनी हो जाएगी आपके लिए, मतलब जो है आइस है उसके लिए 1/2 कैलोरी होती है ना। और डेल्टा टी कितना है? मैंने कहा भाई साहब अगर आप 0 पे पहुंच गए तो आपके लिए कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये 300 कैलोरी चाहिए। कितना कैलोरी चाहिए? 300 कैलोरी इसको यहां से यहां पहुंचने में चाहिए। 30 ग्राम ऑफ -20 डिग्री वाली आइस को 0 डिग्री वाली आइस में तब्दील होने में, 0 डिग्री वाले पानी के तब्दील होने के लिए कितना चाहिए? मैंने कहा भाई साहब एम इंटू एल लगा दीजिए, 80 है, यानी कि 2400 कैलोरी इतना हीट चाहिए। यानी कि यहां से यहां अगर आप इसको पहुंचना है तो 2400 + 300 यानी 2700 कैलोरी जो है टोटल हीट की जरूरत है। ये भाई साहब अगर इधर से इनका मन होगा इधर की तरह, क्योंकि इनका टेम्परेचर ज्यादा है तो इनका देने का मन होगा, इनका लेने का मन होगा। अगर ये यहां पहुंच जाएंगे तो कितना एनर्जी रिलीज करेंगे? पढ़ाई आसान है, Q is equal to ML, M इसका कितना है? 5 है और L की वैल्यू है 540। तो 0 हो गया भाई साहब 520 और ये आ गया 2500 + 27, यानी 2700 कैलोरी जो है ये रिलीज करेगा और 2700 कैलोरी ये ले लेगा। इसको कोई टेंशन नहीं हुई अभी तक, है ना? इसने 2700 यहां तक दिया, ये यहां तक पहुंच गया। अब देखना भाई साहब की ये आपके पास ये भी पानी, ये भी पानी, ये भी पानी, ये पानी 100 डिग्री पे है, ये पानी 50 डिग्री सेल्सियस पे, और ये वाला पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो मान लेते हैं कि तीनों लोग यहां कहीं मिल गए टी टेम्परेचर पे, है कि नहीं है? यहां कहीं टी टेम्परेचर पे मिल गए, तो इसने हीट को रिलीज किया होगा, इसने हीट को रिलीज किया होगा, उतना ही इसने लिया होगा, है कि नहीं? कितना रिलीज किया होगा? यहां पे देखिए, यहां पे जो 5 ग्राम वाला है, 5 ग्राम वाला 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 5 × 1 1 कैलोरी। अरे एमसी डेल्टा टी पानी में तो क्या है ना, एस की वैल्यू 1 ही है। डेल्टा डेल्टा टी कितना हो जाएगा? डेल्टा टी आपका हो जाएगा 100 - t। अच्छा, और इसने कितना रिलीज किया होगा? ये तो 65 × 1 × इसके लिए डेल्टा टी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 - t है, that must be equal to इसने कितना गेन किया है? कितने ग्राम है भाई साहब? 30 है और s की वैल्यू 1 है, t - 0। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, 5 से ये कट गया आपके लिए 13 और ये कट गया है आपके लिए क्या हो गया है, जरा ध्यान से देखिए, ये आपके लिए आ गया 6। तो यहां से क्या आ रहा है? 100 - t + 3 × 5 = 8। 5 × 15 = 1, 5 × 1 = 8, 5 × 1 हो गया है 6 और 0 है ना, 6 × 50 हो गया -30t = आपके पास क्या आ रहा है यहां से 60, है कि नहीं यार? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हो गया 14t और इधर जाके हो गया 20t, 20t = 20t = 750 है, मिंडे से मिंडा कट गया लाला, t की वैल्यू आ जाएगी 34 point something 35/2 ही, वही तो आएगी, हाँ 35/2, तो 37.5 आ गई, 37.5 आ गई, डबल कर दीजिएगा 75 हो जाएगा। अरे ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो हो, तो ये आपका पहला आ गया है, फाइनली अब सबको यहाँ पहुंच गया भैया, यहाँ तो पानी होगा ना, सबको ही पानी हो जाएगा, 100 ग्राम का पानी हो जाएगा, मिक्सर का टेम्परेचर 37.5 है, तो आंसर आपका 183 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। कौन से सवाल पे? 13 की तरफ। तो ये आसान सवाल था, ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। सवाल नंबर 13 को देखिए जरा,
ध्यान से देखिएगा आप इस सवाल को, क्या है सवाल नंबर 13, बहुत ही लल्लू सवाल है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है ये सवाल, और आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और t इज इक्वल टू जीरो पे इस पे स्लोप डाली गई है, टेम्परेचर यहाँ पे थीटा नॉट दिया गया है, और यहाँ पे जो है आपके पास ये टेम्परेचर सराउंडिंग का टी नॉट दिया गया है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते जो टाइम आने वाला है वो आपके पास टाउ है, वो आपके पास क्या है टाउ है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, अगर आपको याद हो dt डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू k इनटू t माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या आ गया था, यहां पर थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, और इसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। यहां पे अगर देखा जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है आपके पास जो है मतलब जो है यहाँ इस वाले पॉइंट पे वो थीटा नॉट माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा टी नॉट आ जाएगा, इसमें कोई लाल शर्म वाली बात नहीं है, और ये तो स्लोप भी है ना डी थीटा बाई डी टी, तो ये टाइम दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो की बातें कर रहे हैं, और टी इज इक्वल टू जीरो पे स्लोप को तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ये डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा नॉट माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय ये वाला दूरी आपके पास टाउ आ गया, लाला यहां से कंपेयर कर दीजिएगा, ये जो वन बाई मतलब टाउ जो है आपका वन बाई टाउ इज इक्वल टू के है, तो आपको क्या निकालना है, आप क्या निकालना, जो भी निकालना है आप निकाल लीजिए। ओहो, बोल रहा है कि फाइनल फाइंड द वैल्यू ऑफ टाउ, टाउ की वैल्यू 1 बाई टाउ की वैल्यू क्या होगी यहां से 1 बाई के, क्या है भाई साहब कूलिंग न्यूटन लॉ कूलिंग कांस्टेंट हो गया है, तो बहुत बहुत रद्दी सवाल है, कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है, उम्मीद है कि आपको जानते हो आ गया होगा ना न्यूटन लॉ कूलिंग के इनटू बॉडी का टेंपरेचर माइनस, तो पट्टी 0 पे थीटा माइनस टी नॉट होता है, वहां का टेंपरेचर थीटा नॉट है दिया है ना, टी 0 पे टेंपरेचर और वही स्लोप के बराबर भी हो गया, स्लोप को लिख दिया, बहुत ही रद्दी मतलब 13 हो गया वैसे, आगे बढ़ते हैं 14 हो गया, आगे बढ़ते हैं 14, जरा ध्यान से देखिए क्या है 14 वाला सवाल, सवाल नंबर 14 है ना, 14 वाले सवाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे ये है आपके पास y एक्सिस और ये यहाँ पे है x एक्सिस, इधर की तरफ आपके पास एक सोर्स है, सोर्स यहाँ पे है और वो v1 रफ्तार से इधर की तरफ जा रहा है, उसकी कोऑर्डिनेट है -2, 0 और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है O2 और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है O1 है ना, O1 वाले भाई साहब जो है वो v0 रफ्तार से इधर की तरफ जा रहे हैं और इनकी रफ्तार है 0, मतलब कोऑर्डिनेट है 0, 2 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया है आपके लिए 2, 0 और ये इधर की तरफ जा रहा है v0 रफ्तार से, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। ओहो, v1 v0 लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, तभी तो डॉक्टर लग पाएगा, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब बोल रहा है f1 f2 रिप्रेजेंट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2, भाई साहब एंगल 45 ही हो जाएगा ना, ये 2 और 2 ठीक है कर लीजिए, इनको F1 सुनाई दे रही है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी F है और इनको F2 सुनाई दे रही है, तो आपको रेशियो निकालना है। अच्छा भाई साहब, आपको पता है कि F1 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब वेलोसिटी ऑफ साउंड v मान लेते हैं, दूर जा रहा है कौन ऑब्जर्वर, कितनी अलोंग द लाइन क्या होगा उसका कंपोनेंट, v0 बाई रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा v0 माइनस, तो ये वाली हो जाएगी v0 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई v, सोर्स भी पास में आ रहा है दूर जा रहा है, सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट, सोर्स इधर की तरफ की कितनी रफ्तार से जा रहा है v1 रफ्तार से जा रहा है, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा v1 बाई रूट 2 हो जाएगा, वो दूर जा रहा है, फ्रिक्वेंसी क्या होगी घटेगी कि बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी घटेगी, तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए अपने को नीचे की तरफ प्लस ले लीजिए v1 डिवाइडेड बाई, अगर आप ध्यान से देखें तो ये v हो, v मैंने किसकी वेलोसिटी मानी है साउंड की वेलोसिटी मानी है, रूट 2 इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स, क्या है ये फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स है, और F2 जो है वो क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखें, v यहाँ पे F लिखने में मुझे कोई लास्ट शर्म नहीं आई, ऑब्जर्वर जो है दूर जा रहा है कितनी रफ्तार से वीओ से, लाइन जॉइनिंग क्या लाओगे, मैंने कहा हाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी माइनस वीओ आ गया, उम्मीद है डॉक्टर आपने पहले पढ़ा होगा लाला है कि नहीं यार, और ये भाई साहब जो है सोर्स मतलब इधर की तरफ कैसे जा रहा है, सोर्स आपके पास जो है वो इधर की तरफ v1 से जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में आ रहा है दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो यहाँ पे v1 आ जाएगा, आपको क्या करना है इन दोनों का रेशियो लेना है, ये इससे कट जाएगा और आपको फिर कंपेयर करना है कि F1 और F2 में बड़ा कौन आएगा, यही ना सवाल है, एक मिनट क्या सवाल है जरा ध्यान से देखते हैं सवाल क्या है, हाँ, तो आप इनको रेशियो लीजिए बड़ी आसानी से आपको है ना ये F1 / F2 जो है वो ग्रेटर देन 1 दिख जाएगा, उम्मीद है कि आप रेशियो ले पाएंगे, F से F कट गया
और ये रूट टू को ऊपर भेज दीजिए, आप आइएगा कि बाकी आप वैल्यू रख के भी टेस्ट कर सकते हैं, की वैल्यू अभी नॉट वैल्यू या इवन की वैल्यू कुछ फिक्स करके रेश्यो निकाल दीजिए, आपको F1/F2 आता हुआ दिखाई देगा। यही यही ना सवाल था, बस यही यही बताना था कि जीरो होगा, वन होगा, बिटवीन वन टू होगा, ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन होगा भाई। F1/F2 का ये रेशियो जो है वो वन से बड़ा आ रहा है, वन से बड़ा आ रहा है मतलब जो है, तो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। रद्दी सवाल है इसलिए ज्यादा अपन टाइम पास इसमें कर नहीं रहे, बड़ा ही आसान सवाल है डॉपलर का, बिल्कुल आपको जो है सिंपल डॉपलर इसमें लगाना है। ये तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, मीडियम मीडियम हो तो एड वेड कर देना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वी माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, लगा दीजिए डॉपलर जो है ना। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारे पास सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 क्या है, ध्यान से देखिए, पार्टिकल कर रहा है HSM और कहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो है मतलब पूछते हुए शर्म आ रही है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट t इज इक्वल टू ऐसे कर रहा है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, लेकिन वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, फाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। टाइम कितना दिया, लाला कितना दिया, T/8 दिया, बहुत बढ़िया। तो y की वैल्यू क्या हो गई, a sin ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, मैंने कहा 2π/T हो जाता है ना, अरे भाई t is equal to 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2π/T इनटू टाइम t है, t की वैल्यू T/8 आ गई है, t ने t की बत्तियां गुल की, π/4 आ गया, sin π/ a/√2 कहीं दिखाई दे रहा है, a/√2 a/√2 आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा, ऑप्शन 2 में दिखाई देगा, आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। सवाल नंबर 15 हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16। 15 बताते हुए लास्ट आ रही है, बिल्कुल तुरंत मिटा देते हैं। 16 देखिए, जरा ध्यान से देखिए, 16 वाला सवाल बहुत ही रद्दी है, बहुत लोकल सवाल है सारे, मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां से ऐसा है कि भाई साहब टोटल दूरी आपको दो प्लेट्स के बीच की डी दी हुई है ना, मान लेते हैं कि ये वाली दूरी वाई है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, डी माइनस वाई हो जाएगी, इसको D1 बोला है वो और इसको D2 बोला है, इधर की तरफ खींच रहा है भैया, ये खींचिएगा तो आप जानते हैं ना विस्कस फोर्स लगेगा, यहां पे भी लगेगा और यहां पे भी लगेगा, दोनों का सम कर दीजिए, मिनिमम उतना फोर्स आपको चाहिए होगा ताकि ये प्लेटवा खींच जाए, है ना, और F की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, विस्कस फोर्स की वैल्यू हो जाती है ईटा a dV/dz। उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, मतलब है ना न्यूटन साहब का जो लॉ वगैरह, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो F1 और F2 दोनों को ऐड कर दीजिए, ये F1 विस्कियस और ये F2 हो जाएगी, तो F की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जरा ध्यान से देखें, F की वैल्यू आपके पास इन दोनों का सम हो जाएगा, ईटा इस वाले पार्ट का ईटा कितना दिया हुआ भैया, ईटा ही दिया हुआ है, प्लेट का एरिया ए ही दिया हुआ है, इसकी रफ्तार जीरो है, ये वी रफ्तार से चल रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू वी हो गई है, और डेल्टा जेड यानी कि ये जो डिफरेंस है इसको मैंने वाई मान लिया, जेड मान लो जो मानना है आपको, मान लो डेल्टा वाई ले लो जो भी, मैंने एक्सिस वाई ले ली तो डी वाई कर दीजिए, प्लस आपके पास यहां से आ जाएगा ईटा, और यहाँ का ईटा आपको शायद 4η दिया हुआ है, 4η ए dV/dz, यहाँ जीरो है और यहाँ वी है, तो डिफरेंस वी आ गया है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये वाली दूरी जो कि D-1। अब आप ध्यान से देखिएगा ये फंक्शन ऑफ वाई आ रहा है, अगर आपको इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी भैया, मिनिमम निकालनी, तो आप क्या कीजिएगा df/dy मतलब जो है dy को जीरो कर दीजिएगा, सोल्व करिएगा तो y की वैल्यू आपके पास d/3 आ जाएगी, सोल्व करिएगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही, d/3 आ रही, तो y की वैल्यू d1 आ गया d/3, तो d2 कितना आ जाएगा भैया, d-d/3 कितना आ गया लाला, 2d/3। सवाल में क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा, ले लेगा क्या, d2/d1 2 आ गया लाला, आगे बढ़े क्या, ये भाई ये है कि नहीं है, अरे यार अब आप ध्यान से देखिएगा, तो ये सवाल नंबर 16 था, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पे। क्या है सवाल नंबर 17, 17 और 18 इतने लल्लू है कि बताते हुए मतलब लास्ट शर्म आ जाए ऐसा है, ध्यान से देखिएगा 17 वाले सवाल को पढ़िएगा, तो दो वायर है यहाँ, सवाल उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, टू वेरी लॉन्ग वायर, ओहो ऐसे वायर है, वेरी लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट हो गए, पैरेलल है, स्टेडी स्टेट में करंट आई और 2i चल रहा है, इसमें आई और इसमें क्या है 2i, अपोजिट डायरेक्शन में, बीच में कोई भाई साहब है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके हिसाब से अंदर आ रही है और इसके हिसाब से भी अंदर आ रही है, मतलब ओवरऑल किधर होगी लाला, अंदर की तरफ होगी, और यहाँ पे जो भाई साहब है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेन, मतलब ये भाई साहब की रफ्तार या तो ये होगी v और या फिर ये होगी v, है कि नहीं यार, ऐसा दिया और v की वैल्यू उधर है, आप बोल रहे हो कितना फोर्स लगेगा,
एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी, अगर पार्टिकल के रफ्तार और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो या पाई हुआ तो भाई साहब ये जीरो नहीं हो जाएगा पे, साइन थीटा आ रहा है ना जीरो एंड पाई पे, तो जीरो हो जाएगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगने वाला नहीं है, तो आंसर आपके पास चला जाएगा फोर यानी कि जीरो। और चलते 18 वाले सवाल पे, अगर आप ध्यान से देखे तो ये 17 और 18 देख लेते, 17 में जीरो आ गया, 18 भी बताते हुए शर्म आएगा, वैसा ही सवाल है। 18 में क्या है कि अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो आप ये पाइएगा कि यहां पे एयर है, ठीक है, बीच में मीडियम में क्या भरा हुआ है, पानी वानी भरा हुआ है, और यहाँ पे ग्लास है ना, और ये पानी के साथ कुछ कुछ करना चाह रहा है, इसमें कुछ कुछ डाल दे रहा है, टाइम पास करना चाह रहा है, और बोल रहा है कि भाई साहब मतलब ऐसा सीन है, यहां से आई पे आ गया है लाइट, और यहां से आर पे गया है, और यहां पे आपके पास जो म्यू है, कुछ भी म्यू वाटर मान लीजिए कुछ भी है, वो चेंज होता रहेगा जो भी इंप्योरिटी आप डालेंगे, और ये वैसे इधर कट गया है ना, यहाँ पे ये एंगल 90 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ वॉटर इंटू साइन आर हो जाएगा, है ना, साइन आर इतना ही कार्यक्रम यहाँ पे होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इंटू क्या हो जाएगा साइन 90 इंटू साइन 90। अब आप क्या कहिएगा, अब आप बोल रहे हैं हम म्यू ऑफ वॉटर को चेंज कर दे रहे हैं, तो फिर आर चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा अपने आप, उसके हिसाब से क्या होगा, अगर आप म्यू ऑफ वॉटर को बढ़ा दीजिएगा तो भाई साहब साइन आर की वैल्यू कम हो जाएगी, साइन आर की वैल्यू कम हो जाएगी, आर कम हो जाएगा, तो उससे आई और इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कौन सा इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। बहुत ही आसान किस्म का ये पेपर था, तो उम्मीद है कि आपने इसको बुरी तरह से फोड़ा होगा, पेपर 1 FST 11। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, ये खेला यहीं पे खत्म होता है, तो आप अपना और अपनों का और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बचे कुचे जो भी टाइम बचा है इसमें टाइम का बहुत ही सदुपयोग कीजिए, और अपना जो भी लक्ष्य है उसको बहुत अच्छे से मुकाम को हासिल कीजिए। दैट्स ऑल, जय जय भारत, टेक केयर, बाय।